डिस्कवर द वर्ल्ड के मुअज्जिज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम जिस दुनिया की रंगीनियों से इस कदर लुत्फंदोज हो रहे हैं, एक दिन इस दुनिया का खात्मा हो जाएगा। और खात्मा कब होगा, कयामत कब आएगी, ये इल्म अल्लाह के सिवा किसी के पास नहीं। मगर जो निशानियां हमें बताई गई हैं, उनको अब हम इंतहाई तेजी से पूरा होते देख रहे हैं। और अंदाजा यह है कि ये तमाम निशानियां, जिनमें इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद, दजाल का जहूर और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नजूल शामिल है, शायद अब से 40-50 साल बाद पूरी होना शुरू हो जाए। दोस्तों, इन्हीं निशानियों में से एक निशानी ग़ज़वा हिंद है। दरअसल कुछ लोग गलती से और कुछ लोग अपनी नाम निहाद जिहादी तंजीमों की तशहीर के लिए ग़ज़वा हिंद का सहारा लिए हुए हैं। हालांकि ग़ज़वा हिंद वो जंग है जो हजरत इमाम मेहदी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में लड़ी जाएगी, और वो जमाना अभी बहुत दूर है, क्योंकि अभी उस दौर से पहले की कुछ इलामात पूरी होना बाकी हैं। जैसा कि किसी इस्लामी रियासत का बाकी ना रहना और इस्लाम का सिर्फ हरिमैन शरीफैन तक महदूद होकर रह जाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम अपनी पहली हालत की तरफ लौटेगा जिस तरह के इब्तदा मदीना से हुई थी, हत्ता के ईमान सिर्फ मदीना में रह जाएगा। खवातीनों हजरात, ग़ज़वा हिंद को ग़ज़वा कहने का हरगिज ये मतलब नहीं कि इसमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिरकत करेंगे, बल्कि ये उन गजवाते मौदा में शामिल हैं जिनकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशनगोई की हो। जैसा कि अल-नसन निसाई में मसनद इमाम अहमद बिन हंबल में हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे बयान किया कि इस उम्मत में सिंधो हिंद की तरफ लश्करों की रवानगी होगी। इस पर हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया, अगर मुझे किसी ऐसी मुहिम में शिरकत का मौका मिला और मैं शहीद हो गया तो ठीक, अगर गाजी बनकर वापस लौट आया तो मैं एक आजाद अबू हुरैरा होगा जिसे अल्लाह ताला ने जहन्नुम से आजाद कर दिया होगा। इसी तरह एक और जगह हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे वादा फरमाया था कि मुसलमान हिंदुस्तान में जिहाद करेंगे। हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया कि अगर वो जिहाद मेरी मौजूदगी में हुआ तो मैं अपनी जान और माल अल्लाह ताला की राह में कुर्बान करूंगा, अगर मैं शहीद हो जाऊं तो मैं सबसे अफसल तरीन शहदा में से होऊंगा, अगर मैं जिंदा रहा तो मैं वो अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो होऊंगा जो अजाब जहन्नुम से आजाद कर दिया गया हो। नाज़रीने गिरामी, इसी तरह एक रिवायत के मुताबिक हजरत सुबान रजी अल्लाह ताला अन्हो, जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम थे, उनसे रिवायत है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के दो ग्रोहों को अल्लाह ताला दोजख के अजाब से बचाएगा, उनमें से एक हिंदुस्तान में जिहाद करेगा और दूसरा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ होगा। जबकि इसके अलावा एक रिवायत के मुताबिक हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिंदुस्तान का जिक्र करते हुए फरमाया, यकीनन तुम्हारा एक लश्कर हिंदुस्तान से जंग करेगा और अल्लाह उन मुजाहिदीन को फतह देगा, हत्ता के वो सिंध के हुक्मरानों को बेड़ियों में जकड़ कर लाएंगे, अल्लाह उनकी मगफरत फरमा देगा, फिर जब वो वापस पलटेंगे तो ईसा इब्ने मरियम को शाम में पाएंगे। जबकि हजरत काब रजी अल्लाह ताला अन्हो की एक हदीस है, वो फरमाते हैं कि बैतुल मक़दस का एक बादशाह हिंदुस्तान की जानिब एक लश्कर रवाना करेगा, मुजाहिदीन हिंद को पामाल कर डालेंगे, उसके खजानों पर कब्जा कर लेंगे, फिर वो बादशाह उन खजानों को बैतुल मक़दस की तज़ीनो आराइश के लिए इस्तेमाल करेगा, वो लश्कर हिंदुस्तान के बादशाहों हाकमों को बेड़ियों में जकड़ कर उस बादशाह के रूबरू पेश करेगा। इसके मुजाहिदीन बादशाह के हुक्म से मशरिक व मगरिब के दरमियान का सारा इलाका फतह कर लेंगे और दजाल के खरूज तक हिंदुस्तान में कायम करेंगे। दोस्तों, इस गजवे के बारे में तीन आरा पाई जाती हैं। पहली ये कि इस्लाम के इब्तदाई और वस्ती दौर में, जिनकी बिना पर हिंदुस्तान एक अरसे तक दारुल इस्लाम बना रहा और वहां इस्लामी हुकूमत कायम रही, यही गजवात अल हिंद का मिस्ताक थी, जिनमें बिलखसूस मोहम्मद बिन कासिम और सुल्तान महमूद गजनवी की मार का आराई काबिले जिक्र है। दूसरी राय के मुताबिक हदीस में जो हिंद का जिक्र आया है उससे खास हिंदुस्तान मुराद नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान की तरफ के इलाके मुराद हैं, जिसमें खास तौर पर बसरा और उसके अतराफ का इलाका है। इसकी ताईद बाज आसार सहाबा से होती है जो ये फरमाया करते थे कि हम लोग हिंद से बसरा मुराद लेते हैं, लिहाजा इस तावील के एतबार से ग़ज़वा हिंद के सिलसिले की रिवायात का ताल्लुक इब्तदाई जमाने में जो फारस से जंगें हुई उनसे है। जबकि तीसरी राय यह है कि अभी तक यह गजवा वकू पजीर नहीं हुआ, बल्कि हजरत इमाम मेहदी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में इस मार का आराई का आगाज होगा,
यानी इस राय के कायलीन इन रिवायतों को पेश करते हैं जो अलामा बिन नईम बिन हमाद ने अपनी किताब अल फितन में पेश की हैं, जिनमें ये जिक्र है कि एक जमात हिंदुस्तान में जिहाद करेगी और उसको फतह नसीब होगी, और जब वो माले गनीमत लेकर वापस लौटेंगे तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मुल्क शाम में नजूल हो चुका होगा। लिहाजा इसकी शरायत और तकाजे पूरे होने अभी बाकी हैं, क्योंकि ये अलामात कुबरा है। ख्वातीनों हजरात, कुरान पाक में वो तमाम तर वाकयात जो क्यामत तक वाकया होने वाले हैं अल्लाह ताला ने बयान फरमा दिए, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इन तमाम अवलीनो आखरीन के वाकयात अपनी हयात तैयबा में बयान फरमा दिए, ताकि अहले ईमान आइंदा आने वाले फितनों, अहवाल और जंगों से आगाह हो सके और बरवक्त इनकी तैयारी कर सके और आजमाइशों और मसायब में साबित कदम रह सके। लिहाजा आखिर जमा की अहादीस मुबारक में अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई एक मकामात पर उम्मत को ईमान बचाने के लिए नसीहत की है, और कहीं अजीम फतुहात की वो बिशारतें भी दी हैं जो एक मोमिन को मायूसी के आलम में यकीन की कैफियत दे देती हैं। दोस्तों, कुरान पाक और अहादीस मुबारक में आखिरी जमाने की अजीम फतुहात की बिशारतें अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से भी हम तक पहुँचाई हैं, जबकि मुहक्किकीन की राय के मुताबिक तमाम की तमाम अलामात सुग़रा तो ज़हूर पज़ीर हो चुकी हैं। अब अलामात कुबरा की बारी है, जो गलबा दीन की सूरत में ज़हूर पज़ीर होंगी, और एक राय के मुताबिक ग़ज़वा हिंद दरअसल बैनुल अक़वामी जंगों के सिलसिले का आगाज होगा, और अगर हदीस मुबारक के पेश नज़र ग़ज़वा हिंद के वाक़े होने की शरायत पर गौर किया जाए तो अहादीस मुबारक से हमें यह मालूम होता है कि ग़ज़वा हिंद अलामत कुबरा है, क्योंकि यही फातह फौज एलिया यानी अलकुदस जाएगी तो बाद में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की फौज से मिल जाएगी। जबकि हदीस मुबारक के मुताबिक ग़ज़वा हिंद की बड़ी शर्त यह भी है कि इस जंग में चीन भी शामिल हो जाएगा। लिहाजा हजरत इमाम करतबी हजरत हुज़ैफ़ा बिन यमान रजी अल्लाह ताला अन्हों से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और सिंध की खराबी हिंद से है और हिंद की खराबी चीन से है, जबकि तीसरी अहम शर्त इमाम महदी अलैहिस्सलाम की शमूलियत भी है। दोस्तों, इस वक्त पूरा आलम कुफ्र आलम इस्लाम को सफ़े हस्ती से मिटाने के लिए इस तरह से जमा है जैसे भूखे लोग दस्तरखान पर जमा होते हैं। ऐसे वक्त में अहले ईमान को चाहिए कि अपने अंदर से वहन को खत्म कर दें और दुनिया की मोहब्बत और मौत के खौफ को दिल से निकाल फेंके। अल्लाह रब्बुल इज्जत और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वादे हमसे किए हैं वो जरूर पूरे होंगे। दुश्मनान इस्लाम अपनी मनसूबा बंदी में मसरूफ है, जबकि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अपना मंसूबा है। कुरान पाक की सूरह तारिक में अल्लाह ताला फरमाता है कि बेशक वो पुरफरेब तदबीरों में लगे हुए हैं और मैं अपनी तदबीर फरमा रहा हूँ। लिहाजा आज के मुसलमान कोशिश करें कि अल्लाह ताला हमें अपने मंसूबे का हिस्सा बना ले और इस्लाम और पाकिस्तान की खिदमत का वाफिर हिस्सा हमें अता फरमा दे, और अगर हमने पाकिस्तान की तामीर और इसके मकसद की तकमील नहीं की तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारा मोहताज नहीं, वो हमें खत्म करके कोई दूसरी कौम ले आएगा जो अल्लाह से मोहब्बत करती होगी और अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा। लिहाजा दोस्तों, अल्लाह के अहकामात पर अमल करें और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी करें। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें और इसे फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करने में हमारा साथ दें। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना, दोस्तों और गिर्दोनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।